पर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्वेट इक्विटी शेयर या प्रस्वेद सामान्य अंश, जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका अध्ययन करने वाले हैं। सो स्वेट इक्विटी शेयर को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आधार लेंगे डेफिनेशन का, जिसके आधार पे हम स्वेट इक्विटी शेयर की यहाँ पे संकल्पना समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। और स्पेशली हमारे सिलेबस में इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर ऐसा पॉइंट हमें दिया गया है, तो इशू करने के लिए क्या प्रोसीजर है या क्या प्रावधान है, मीन्स प्रोविजंस है, वो भी हमें समझने होंगे। सो यहाँ पे मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है और इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर की जो कंडीशंस है, जिसको हम प्रोविजंस भी कह सकते हैं, उसके दो पॉइंट लिखे हैं। एक्चुअली ये चार पॉइंट है, बट बोर्ड थोड़ा छोटा होने के कारण दो ही पॉइंट आए हैं, दो पॉइंट मैं आपको ओरली समझाऊंगी। सो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर हम देखेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन्स सच इक्विटी शेयर्स एज आर इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। मीन्स ये सबसे मेन बात है कि किसे इशू किए जाते हैं, या तो डायरेक्टर्स को या तो एम्प्लॉयज को। कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसको डबल अंडरलाइन कीजिएगा, अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशन बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। सो ये जो इतनी बड़ी हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी, इसका सरल अर्थ मैं अभी आपको समझाती हूँ कि स्वेट इक्विटी शेयर या प्रस्वेद सामान्य अंश, यह ऐसे प्रकार का अंश का एक भाग है या प्रकार है जो कंपनी अपने संचालकों को, माने डायरेक्टर्स को, या एम्प्लॉयज माने कर्मचारियों को ही केवल निर्गमित करती है, इशू करती है। ओके, यहां तक के हम आ चुके हैं कि ये ऐसे प्रकार के अंश है कि जो कंपनी के द्वारा अपने संचालक मंडल के, जो संचालक है उन्हें, या कर्मचारियों को निर्गमित किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कर्मचारियों को निर्गमित किए जाते हैं, लेकिन क्यों? तो उन्हें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, बौद्धिक क्षमता के आधार पे जो अधिकार है, उन अधिकारों में इंक्लूड कर लेने के लिए, या वैल्यू एडिशन के लिए, कीमत में बढ़ोतरी करने के लिए भी इन प्रकार के अंशों का निर्गमन कंपनी के द्वारा किया गया देखा जाता है। तो ये है स्वेट इक्विटी शेयर माने प्रस्वेद सामान्य अंश की डेफिनेशन या परिभाषा। अब स्वेट इक्विटी शेयर या प्रस्वेद सामान्य भाग या अंश जो है, इन्हें इशू करने के लिए क्या कंडीशंस होती है या क्या प्रोविजंस होती है जो करना पड़ता है, तभी स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। अब इसका हमें यहाँ पे अध्ययन करना है। सो सबसे पहले हम देखेंगे इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स का, या कंडीशन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर का फर्स्ट पॉइंट, अ स्वेट इक्विटी शेयर मस्ट बी ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड। मतलब ये जो हमारे स्वेट इक्विटी शेयर है, अब ये यहाँ पे इनका जो एक क्लास है, या जो इनकी एक जो स्तर है, या इनका जो एक तबका है, ये कौन से तबके के होने चाहिए? तो ये शेयर्स ऑलरेडी इशूड क्लास के होने चाहिए। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कंडीशन फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर के लिए। सो सेकेंड पॉइंट है, द इशू ऑफ सच शेयर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी। ये जो स्वेट इक्विटी शेयर या प्रस्वेद सामान्य अंश है, ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, मतलब विशेष ठराव पारित करके ही, विशेष प्रस्ताव पारित करके ही बाद में निर्गमित किए जाने चाहिए। अब इन पॉइंट्स को आप कंडीशन भी कह सकते हैं, प्रोविजंस भी कह सकते हैं। प्रोविजंस में भी यही पॉइंट फिर से रिपीट होंगे। अब इन दो पॉइंट के अलावा एक और थर्ड पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, नॉट लेस देन वन ईयर मस्ट हैव इलैप्स्ड एट द डेट ऑफ इशू सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी हैज कमेंस्ड बिजनेस। मतलब जब से कंपनी ने व्यवसाय प्रारंभ किया है, उस डेट से एक
सामान्य अंशों का निर्गमन होना चाहिए। मतलब एक साल के पहले ये जो निर्गमन की प्रक्रिया है ये नहीं होनी चाहिए। तो क्या है तीसरा पॉइंट, कि जो कंपनी का डेट ऑफ कमेंसमेंट है, मतलब बिजनेस का जो कमेंसमेंट का डेट है, उससे एक साल के बाद ही यह निर्गमन की प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रश्वेत सामान्य अंश निर्गमित किए जाने चाहिए। चौथा पॉइंट जो दिया है, वेयर इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, द स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी इशू इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय द सेबी इन दिस बिहाफ। मतलब अगर आपके जो अंश है, आपके जो शेयर है, वो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए गए हैं, लिस्टेड किए गए हैं, तो जब आप लिस्टेड शेयर्स को, मतलब यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में जब उसको निर्गमित करोगे, तो यहाँ उस पर्टिकुलर कंपनी को जो सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन है इस प्रक्रिया के लिए, उस प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। फिर वहाँ पे आप, मतलब क्योंकि आपके जो शेयर्स है वो लिस्टेड होने के कारण आपको सेबी एक्ट, सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट, ये सभी एक्ट जो है, इन सभी का पालन करते हुए फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स या प्रस्वेद सामान्य अंशों का निर्गमन करना पड़ता है। लेकिन जो एक बात किताब में नहीं बताई गई, वो ये बात ये है कि अगर आपके शेयर अनलिस्टेड है, मतलब असूचीबद्ध है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे? सो ऐसे परिस्थिति में आपकी जो, मतलब आपने जो नियमावली खुद के लिए बनाई है, आपने, मतलब कंपनी ने, कंपनी की जो एक नियमावली है, उस नियमावली के आधार पर, उस नियमावली में सूचित किए गए सभी जानकारी के आधार पर ये जो स्वेट इक्विटी शेयर का निर्गमन है वो किया जाएगा। मतलब आपको केवल चौथे पॉइंट में क्या बात याद रखनी है, पहले में क्या याद रखेंगे कि वो शेयर्स, क्लास ऑफ शेयर ऑलरेडी इशूड होना चाहिए। सेकेंड क्या है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही, मतलब विशेष प्रस्ताव पास करके ही यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर का निर्गमन होगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भी डेट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, उस डेट से एक साल के बाद ही यह निर्गमन की प्रक्रिया होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट क्या है कि अगर आप सूचीबद्ध, आपके शेयर सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, आप सूची लिस्टेड कंपनी हो, तो ऐसे परिस्थिति में स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टेड होने के कारण आपको सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो वहां पे एक पर्टिकुलर नियमावली बनाई है, उसी के आधार पे आप स्वेट इक्विटी शेयर का इशू करने की प्रोसेस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप अनलिस्टेड कंपनी हो, अनलिस्टेड आपके शेयर्स है, असूचीबद्ध है, तो ऐसे परिस्थिति में आप, आपके जो अंतर नियमावली है, जो अंतर्गत व्यवहार के लिए जो बनाई गई है, उसके नियमों का आधार लेके स्वेट इक्विटी शेयर्स का निर्गमन किया जा सकता। तो हमें, मतलब अभी हमने यहाँ पे स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन और इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर की कंडीशन देखी। अब इसके बाद एक और पॉइंट इसमें है कि एंटाइटल्ड पर्सन कौन होंगे, किन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए जा सकते, मतलब उसके लिए नॉर्म्स क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला नॉर्म या कंडीशन या एंटाइटल्ड पर्सन जो होगा, जिसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं, वो पहला एंटाइटल्ड पर्सन होगा अ परमानेंट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन और आउटसाइड इंडिया फॉर एटलीस्ट वन ईयर। मतलब हमारे कंपनी का ऐसा अधिकारी जिसने कम से कम एक साल तक का हमारे कंपनी में काम किया है, फिर वो इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, मतलब वो व्यक्ति, वो एम्प्लॉय, ठीक है, लेकिन उसने हमारे कंपनी को सर्व किया है एक साल के लिए या एक साल से ज़्यादा उसने दिए हैं, तो ऐसे एम्प्लॉय को हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरा एंटाइटल्ड पर्सन या दूसरी टाइप कौन सी आती है, द होल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या जिसको हम पूर्णकालीन संचालक कहते हैं, ऐसे होल टाइम डायरेक्टर या पार्ट टाइम, मतलब कुछ वक्त के लिए जो मतलब कुछ वक्त अपना देते हैं संचालक मंडल के कामों को करने के लिए, ऐसे होल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है अ परमानेंट एम्प्लॉय
एम्प्लॉय ऑफ ए सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ द कंपनी वर्किंग इन एंड आउटसाइड इंडिया एंड अ होल टाइम एंड पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ ए सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया. मीन्स अगर हमारी जो कंपनी है उस कंपनी की जो होल्ड या हमारी कंपनी किसी एक कंपनी की सब्सिडरी हो सकती है या ये जो कंपनी है ये होल्डिंग कंपनी है इसकी कोई सब्सिडरी है. तो किसी भी परिस्थिति में अगर आप होल्डिंग कंपनी हो तो सब्सिडरी कंपनी के होल टाइम और फुल होल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर को भी स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं. और अगर आप सब्सिडरी कंपनी हो तो भी आपके कंपनी के एम्प्लॉयज फिर वो इंडिया में हो चाहे बाहर हो या होल टाइम और पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं. और मतलब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं ये विदाउट एनी कंसिडरेशन केवल वैल्यू एडिशन के लिए या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो एक नेचर है उस नेचर की जो राइट्स है वो देने के लिए ये शेयर्स रेंडर्ड किए जाते हैं इन एंटाइटल्ड पर्सन को जिसमें जो कैटेगरीज आती है मैंने आपको वो बताई है. आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर मीनिंग डेफिनेशन कंडीशंस फॉर स्वेट इक्विटी शेयर एंड एंटाइटल्ड पर्सन फॉर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.